दिल लेना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का। प्यार भी रूठा यार भी रूठा, देखो मुझको दिल वालो, खाया है धोखा मैंने यार का। दिल लेना खेल है दिलदार का। What's up guys, welcome back। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है कुछ इस तरह की, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा इस तरह की स्टेटस वीडियो कैसे बनाए। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये टॉपिक है कुछ इसी पे है। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों इसका जो हमने इस वीडियो को एडिटिंग किया है, मैंने काइनवा एप्लीकेशन में। तो दोस्तों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना। और दोस्तों चलिए काइनमास्टर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा काइनमास्टर है, इसको कर लेते हैं ओपन। आप यहाँ पे काइनमास्टर ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो 916 वाला रिसोर्स वो सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद मीडिया ब्राउजर पे जाना है और यहाँ से एक अपनी जो इमेज को आप स्ट्रेस बनाना चाहते हैं उसे यहाँ पे सारी इमेज को इम्पोर्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारी इमेजेस को इम्पोर्ट कर लेना है जल्दी जल्दी से आपको। तो गाइस मैंने सारी की सारी इमेजेस को कर लिया यहाँ पे इंपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे पैन जूम पे। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेजेस को क्रॉप कर लेना है कुछ इस तरीके से। आपको सभी जो सारी इमेजेस है सबको इस तरीके से पैन जूम क्रॉप कर लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी से सारे इमेजेस को पैन जूम क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो गाइस मैंने सारी की सारी इमेजेस को पैन जूम क्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमें देना है, सभी में एक एक ट्रांजेक्शन देना है सभी में। जो भी ट्रांजेक्शन आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे काइनमास्टर को जो एक्स्ट्रा जो ट्रांजेक्शन है उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन आ गए हैं तो उस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जो भी आपको अच्छा ट्रांजेक्शन लगे उसे यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं कुछ तरीके से यहाँ पे ए वाला ट्रांजेक्शन देख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जो मैं यूज करूँगा उसको आप ही यूज कर सकते। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ही सारे ट्रांजेक्शन है। तो इस तरह से ये वाला जो कुछ इस तरीके से ट्रांजेक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे आपको सभी में एक ना एक ट्रांजेक्शन लगा देना है तो आपका जो वीडियो लुक है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आउटपुट आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा देखने को जो अपने स्टेटस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सारी के सारे जो ट्रांजेक्शन है उसे सभी में यूज कर लेता हूँ। तो गाइस लगभग जो मैंने पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन सभी में दे दिया है। अब यहाँ पे हम जो कि क्लिप ग्राफिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद हम यहाँ से इसमें कुछ इस तरीके से जो ग्राफिक्स सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो हमें यहाँ पे टाइप भी करना है वो हम टाइप कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे आपको टेक्स्ट देना है वो यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट देना है उसे मैं दे देता हूँ और यहाँ कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो गाइस मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे डॉट को लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे आपको जो बड़ा बड़ा टेक्स्ट दिख रहा था पहले से तो वो नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पे जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हो। यहाँ पे मैं सारे के सारे डॉट लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से सभी पे मैं डॉट एक डॉट लगा देता हूँ जैसा कि कुछ इस तरीके से। तो सभी में कुछ इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। तो आपको सभी में इस तरीके से कोई अलग सा ग्राफिक्स लगाना है तो वो लगा सकते हो। तो मेरा जो है मैं यही आपको इस वीडियो में इसी तरह का स्टेटस बनाना बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं यही वाला ग्राफिक्स लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन वीडियो को लूँगा और यहाँ पे इसका क्रोमा की ब्लैक कर लूँगा। तो यहाँ पे ब्लैक करने के बाद जो मेरी वीडियो का जो टेक्स्ट है कुछ इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कलर एडजस्ट मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है जो मैंने ब्लैक स्क्रीन टेक्स्ट यहाँ पे लिया है उसको मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो।
तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से जो टेक्स्ट है उसे यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का जो लगाना है हमें कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे अपना जो ग्रीन स्क्रीन है उसे चूज़ कर लेता हूँ जो मेरा ग्रीन स्क्रीन टेक्स्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से मैंने ब्लैक स्क्रीन लिया है, तो यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन ही करना है क्रोमा की में। तो यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग को रख लेना है हमारी जो सेटिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से, जो टेक्स्ट आउटपुट मिलेगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो क्रॉपिंग करनी है, तो यहाँ पे क्रॉप हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं अपने टेक्स्ट के। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं क्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्रॉप करने के बाद हमें इस तरीके कुछ देख लेना है वीडियो को थोड़ा सा चला के। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो हमारा टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से निकल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो जो मेरा टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से हो रहा है और मेरा जो इंट्रो है कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा सही तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे हम इसे जो क्रॉपिंग फिर से करते हैं, थोड़ा सा सही से क्रॉप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसकी पोजीशन को मैं सही तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है वो सही तरीके से हो जाएगी और यहाँ पे जो लुक है कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, देख सकते हो। अब यहाँ पे हम वीडियो को यहाँ पे प्ले करके देखते हैं किस तरह का वीडियो जो भी बन रहा है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का जो हमारा वीडियो है कुछ इस तरह का जो दिख रहा है, इन जो हमारे स्टेटस वीडियो कुछ इस तरह का बन चुका है। अब यहाँ पे हम जो वीडियो में टेक्स्ट देने वाले हैं अपने स्टेटस वीडियो में, हम जो भी टेक्स्ट देंगे वो स्टेटस वीडियो में शो होने वाला है। तो यहाँ पे मैं जो भी आपको देना है वो यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जो भी मुझे देना है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने आई लव यू यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे मतलब कि इस तरीके से इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, मैं अपनी जो पोजिशन है टेक्स्ट की वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। और तो जो मैं यहाँ पे स्टेटस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से जो इसका टेक्स्ट फॉन्ट उस कुछ इस तरीके से रखना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें जो इसकी पोजीशन है यहाँ पे रख लेंगे। अब यहाँ पे जो इसका कलर है वो रेड भी कर लेना है, आपको जो भी कलर अच्छा लगे उसको आपको यहाँ पे रख लेना है। और उसके बाद जो मेरी वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी गैलरी में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बस यहीं पे एंड होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे में वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।